ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि मुझे एक दिन पहले न्योता भेजा गया है। क्या मैं उनकी बंधुआ मजदूर हूं? अंडर सेक्रेटरी ने मुझे न्योता भेजा एक दिन पहले, ये एक सीएम का अपमान है। ये ममता बनर्जी कह रही है कि मुझे सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम का न्योता एक दिन पहले भेजा जाता है। क्या मैं उनकी बंधुआ मजदूर हूं? ये ममता बनर्जी कह रही है। अंडर सेक्रेटरी ने मुझे न्योता भेजा, ये ममता का कहना है। আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে পরশুদিন, কে দিয়েছে? লিখেছেন একটা আন্ডার সেক্রেটারি, সম্ভবত লেভেলের, লিখে বলছে প্রাইম মিনিস্টার 7 বাজে ইনাগুরেট করবে, তোমাকে 6 বাজে ওখানে উপস্থিত থাকতে বলছে, যেন চাকর বাকর আমি, বন্ডেড লেবার। কোন আন্ডার সেক্রেটারি চিফ মিনিস্টারকে এভাবে চিঠি লিখতে পারে না। কালচারাল মিনিস্টার এত বড় হয়ে গেল, সেও একটা চিঠি লিখতে পারলো না। तो इतना बड़ा इवेंट देश में होने जा रहा है जिसको लेकर के, जिसके इनविटेशन को लेकर के यहाँ पर ममता बनर्जी सवाल खड़े कर रही है। अगर दूसरी तरफ विपक्ष ने एकजुट होने के लिए मीटिंग 1 घंटे पहले भी बुलाई होती तो उस पर सवाल ना खड़े करती, लेकिन अब सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम में एक दिन पहले महज इन्विटेशन ममता बनर्जी को दिया गया, जिसको लेकर के, जिसकी टाइमिंग को लेकर के अब वो सवाल खड़े कर रही है। जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया दरअसल उससे थोड़ी नाराज हो गई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उनका कहना है कि ये लिखा जाता है कि प्रधानमंत्री को इनॉग्रेशन कर रहा है, उद्घाटन कर रहा है और आपको 6 बजे पहुंचना है। ये लहजा उनका था जब वो इस बात का जिक्र कर रही थी कि किस तरह से उनको न्योता भेजा गया है और वो भी महज 1 दिन पहले। एक बार फिर से सुनिए ममता बनर्जी क्या कह रही है। আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে পরশুদিন, কে দিয়েছে? লিখেছেন একটা আন্ডার সেক্রেটারি, সম্ভবত লেভেলের, লিখে বলছে প্রাইম মিনিস্টার 7 বাজে ইনাগুরেট করবে, তোমাকে 6 বাজে ওখানে উপস্থিত থাকতে বলছে, যেন চাকর বাকর আমি, বন্ডেড লেবার। কোন আন্ডার সেক্রেটারি চিফ মিনিস্টারকে এভাবে চিঠি লিখতে পারে না। কালচারাল মিনিস্টার এত বড় হয়ে গেল, সেও একটা চিঠি লিখতে পারলো না।